अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आया हूँ एक ज़ियारत पे। बहुत कम लोगों को पता है यहाँ घर भी था तलहा का, जो सहाबी थे। वालेकुम सलाम। ये बनी अनियाफ कबीला जो यहाँ था, उन्होंने यहाँ मस्जिद बनाई किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज पढ़ी थी। तो मैंने जैसे कहा था कि ये मस्जिद बनी हनीफ है, कबीला बनी हनीफ की यहाँ मुकीम थे। तो वाक़ कुछ इस तरह का है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबी थे तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तलहा कहाँ है, तो सहाबा ने कहा कि वो बीमार हैं, अपने घर पे है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ज़्यारत की थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाज नहीं छोड़ते थे। दोपहर का टाइम हो गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज पढ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजज़ात में से था कि आप जब निकलने लगे तो आपने उनके वालिद से कहा कि आज तलहा की वफ़ात होने वाली है, अगर तलहा की वफ़ात हो जाए तो मुझे बुला लेना ताकि मैं उनका नमाज से जनाजा पढ़ सकूँ। तो जब उन्होंने अपने बेटे तलहा से कहा कि आज आपकी वफ़ात होने वाली है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो वो आपका नमाज जनाजा पढ़ेंगे। तो आप तलहा ने कहा कि उन्हें मत बुलाना, क्योंकि मदीना उस वक़्त इतना सेफ़ नहीं था। तो उन्होंने कहा उनको बता देना जब मेरी वफ़ात हो जाए, ताकि वो मेरे लिए दुआ कर सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि तलहा की वफ़ात हो गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ आकर उनके लिए दुआ की थी। वो दुआ कुछ इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जैसे तलहा अल्लाह के लिए खुश हुआ था, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तलहा से खुश होंगे। ये उस खुश नसीब सहाबी का घर है जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन खुशी से मिलेंगे। सुभान अल्लाह। तो जनाब लीजिए, मैंने यहाँ की काफ़ी, लास्ट टाइम मैंने यहाँ खाई थी बुखारी है, और काफ़ी बेहतरीन बुखारी है माशाल्लाह। मैंने बहुत कम जगहों में से इसे खाई है, काफ़ी बेहतरीन माशाल्लाह। यहाँ आर्डर करेंगे और फिर जाएंगे ऊपर, इसको खाएंगे। ये हमारा आर्डर हो चुका है। ये बुखारी है, बुखारी चिकन के साथ थी खाली। ये शवाया इनका चेंज होता है, बाहर आपको ग्रिल मिलेगी और यहाँ, और माशाल्लाह देखिए काफ़ी बेहतरीन। चलो यहाँ से हम लेते हैं, पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और ये देखिए, ये भी देख लीजिए, उसके बाद खोल लेते हैं और फिर खाते हैं। ये इन्होंने काबली, और इसके साथ हमने ये काबली ली थी मटन की। अब हम करेंगे चटनी का यूज। मुझे लास्ट टाइम मैंने जब यहाँ खाया था, मुझे काफ़ी पसंद आया था, और ख़ास तौर पे ये बुखारी इनका मुझे काफ़ी ही पसंद आया था। हाथ का इस्तेमाल करेंगे, चावल हमेशा हाथ के साथ ही मज़ा लेते हैं।
الله الرحمن الرحيم. टेस्ट इनके राज का ना माशाल्लाह। अब आ जाते हैं यहाँ, ये देखिए यहाँ से माशाल्लाह मटन से इतना पका हुआ है। ओहो, राइस के अंदर एक यहाँ बाइट और बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये काफ़ी टेस्टी है, मैं पहली बार ट्राई करूँ माशाल्लाह। और इसके साथ ये गोश्त और आलू भी था ना, ये देखिए। बेहतरीन मुर्शिद, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।